ये बढ़ते कदम इस देश के वनों की सुरक्षा में लगे उन अनाम योद्धाओं में से एक के हैं। ये वर्दीधारी सैनिक जो वन रक्षक से रेंज अधिकारी स्तर तक के होते हैं, जिनके समर्पण एवं योगदान को कभी पहचान ही नहीं मिली, जिनकी आवाज इन वनों के सन्नाटे में कहीं खो गई, पर मैं आज इन न रुकने वाले कदमों की अनसुनी कहानी दुनिया को सुनाऊंगा। 30 सालों से जंगल में घूमते घूमते इन पेड़ पौधों से प्यार हो गया बस। 35-40 साल से हम इस वन विभाग से जुड़े हुए हैं सर। जंगल से, वनों से हमको कुछ ऐसा लगाव हो गया है कि जंगल हम अपने प्राणों से भी प्यारे लगते हैं। मुझे इस डिपार्टमेंट में नौकरी करते 5 साल हो गया है और इन 5 सालों में मैंने जंगल को अपना घर मान लिया है और घर की सुरक्षा करना हर किसी का दायित्व है और इसी दायित्व के कारण मैं इस जंगल की सुरक्षा करना चाहती हूँ, आगे भी करूँगी। देश की आज़ादी के बाद प्रारंभिक दौर में इन वर्दीधारी योद्धाओं का प्रमुख कार्य वनों की सुरक्षा था, जिन्हें ये ब्रिटिश काल की ही तरह एवं उन्हीं के समय की वर्दी, हाफ पेंट, ब्रिचेस, बूट एवं तुर्रीदार टोपी पहनकर घोड़े पे चढ़कर वनों का अनवरत भ्रमण करते थे। इस दौरान वनवासियों एवं वनों के मध्य सहजीवी के रूप में संबंध था। ज्यादातर वन रक्षक स्थानीय शिक्षित समर्पित युवा होते थे जो वनवासियों से आत्मीय संबंध रखते थे एवं उनके सुख दुख में भागीदार होते थे और अपने काम को अंजाम तक पहुंचाते थे। इस दौर में वर्दीधारी वन योद्धाओं के प्रति वनवासियों में सम्मान का भाव था और ब्रिटिश काल की तरह कानून का भय भी था। स्थिति ऐसी भी थी कि वन रक्षक की उपस्थिति बताने के लिए कोटवार वन रक्षक की टोपी लेकर गांव में यदि भ्रमण करता था तो वनवासियों के मध्य वन रक्षक की उपस्थिति महसूस की जाती थी। प्रारंभिक दौर में वर्दीधारियों का जीवन काफी कठिन था। जहां जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं जैसे शुद्ध पानी, आने जाने के साधन, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि की व्यवस्था लगभग नहीं थे, फिर भी इन परिस्थितियों में ये वर्दीधारी हमेशा खुश रहते थे एवं इनके चेहरे खिले रहते थे। ये वर्दीधारी पूर्व प्रशिक्षित नहीं थे, लेकिन वन प्रबंधन के दौरान आवश्यक तकनीकी ज्ञान ग्रामवासियों से तथा स्वयं देखकर तथा पढ़कर सीखते चले गए। फॉरेस्ट का मैनेजमेंट आजादी के पहले अंग्रेजों के अधीन था और उस समय एक सेमी मिलिट्री सर्विस मानी जाती थी। उस समय गांव के आदमी जो थे साहब बहुत इज्जत करते थे वन विभाग को। सिर्फ वन विभाग और रेवेन्यू दुए ऐसा विभाग था जिसको मानता था गांव वाला, बाकी किसी को विभाग को नहीं मानता था। पहले जो फॉरेस्ट गार्ड था वो पूरे 3-4 गांव का मैंने जहाँ जाता था पूरे गांव वाले सैल्यूट करते थे, उनका बात मानते थे फॉरेस्ट गार्ड का। और बिल्कुल जैसे DFO होता है उसी प्रकार का रोल में फॉरेस्ट गार्ड रहता था अपने बीट में। एक समय था जब हमारा यूनिफॉर्म स्टाफ जहाँ नहीं पहुँच पाता था वो अपनी टोपी और बेल्ट भेजता था जिसका अक्षरशः पालन किया जाता था। आज़ादी के बाद विकास के दौर में सड़कों का एक अहम स्थान है। ज्यादातर सड़कें वन क्षेत्र में इन्हीं अनाम योद्धाओं के द्वारा कठिनतम परिस्थितियों में बनाई गई जो आवागमन के मुख्य साधन के रूप में लोग इस्तेमाल करते थे। समय के साथ साथ वन नीति में बदलाव आया। वनवासियों की आवश्यकताएं एवं निर्भरता वनों पर बढ़ी, किंतु इस विषय पर कोई औपचारिक प्रशिक्षण नहीं दिए जाने के बावजूद इन्होंने आवश्यक तकनीकी ज्ञान अपने प्रयासों से सीखकर अथक प्रयास एवं समर्पण से सफलतम वृक्षारोपण के उदाहरण प्रस्तुत किए हैं जो आज भी खामोश जंगलों में गवाही दे रहे हैं। 2001 में हमको फॉरेस्टर बना के सोनगरा सर्किल में भेजा गया। सोनगरा सर्किल में इसलिए भेजा गया कि वहाँ 3 आदमी सस्पेंड हुए थे और वहाँ का इतिहास ये था कि किसी का ट्रांसफर नहीं होता था, सस्पेंड ही होते थे। करीब 10 रेंज अफसर, 10 फॉरेस्टर, 200 फॉरेस्ट गार्ड वहाँ सस्पेंड हुए। कारण था अवैध कटाई। सिर्फ पंडोलों का बस्ती है और उनका काम ही था जंगल काटना। महीने में कम से कम 200 घन मीटर लकड़ी डिपो में भेजा जाता था वहाँ से।
मैं जब गया तो मैं सोचा क्यों इतना कट रहा है, मैंने बहुत कोशिश करके पता किया तो ये पता लगा कि वो भूखों मर रहे हैं पंडो, इस कारण ही जो है सो इस जंगल को काट रहे हैं और दूसरा कोई कारण नहीं है। तो उस समय ओपी यादव SDO थे सूरजपुर में, उनके ऊपर भी 6 लाख का रिकवरी निकला था, तो बोले कुछ ऐसा उपाय करो कि जिसमें अवैध कटाई जो है सो बंद हो जाए, किसी प्रकार से 6,000 रुपया जमा करके एक पंप खरीदे और उस पंप को लगाए उस गांव में पंडरी डांडे गांव का एक खरीदा था, हम ही लोग खरीदे पैसा लगा के, कुछ पैसा SDO साहब दिए, कुछ रेंजर साहब दिए, तो उसमें से खरीदे, खरीद के वो पंप लगा के उनको पहले बार में खेती करवाया और उससे जो है सो जब पैदा हुआ तो उन लोग का मन थोड़ा ऐसा हुआ कि ठीक है, और तुरंत जो है सो उसके बाद उसको देख के 20 हेक्टर का एक प्लांटेशन दिया हमको लगाने को, M2 का सिंचाई उसका, उसको लगाए, बांस का प्लांटेशन लगाए, उसमें 3 साल में आंवला में फल आ गया उसमें, वो सब पंडो लोग देखा तो सोचा कि नहीं अब जंगल काटना जो है सो बेकार है। व्यावसायिक प्रबंधन के प्रति ये सोच विकसित हुई कि इससे वनवासियों का शोषण हो रहा है, इसलिए राष्ट्रीयकरण का दौर आरंभ हुआ। सबसे पहले तेंदुपत्ता तथा बाद में कुछ लकड़ी प्रजातियों का राष्ट्रीयकरण हुआ। जंगलों के प्रबंधन के दौरान कटाई का कार्य इन्हीं के द्वारा किए जाने पर इन वर्दीधारी योद्धाओं पर अतिरिक्त बोझ आ गया, जिसका न तो उन्हें प्रारंभिक ज्ञान तथा प्रशिक्षण था और न ही उनकी मनोदशा को जाना गया। इस दौर में भी हमारे ये योद्धा समय के साथ स्वयं काम के दौरान प्रशिक्षित ही नहीं हुए, बल्कि इन कामों में उन्हें महारत हासिल हुई जो आज भी इनमें मौजूद है। इन्हीं के समर्पण का ये परिणाम रहा कि आज तक ये कार्य सफलतापूर्वक किया जा रहा है जो कई वन अधिकारियों के सीखने के लिए मौजूद है। अपने स्टाफ को सैल्यूट करता हूँ कि उन लोगों ने इन सब कमियों के बावजूद अपने मेन ड्यूटी फॉरेस्ट प्रोटेक्शन की ओर बिल्कुल ध्यान अपना बनाए रखा। जहाँ तक अधिकारियों की बात है, इस चीज़ का मेरे को हमेशा अभाव सालते रहा कि जितना ध्यान इस बिंदु पे फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के रूप में देना चाहिए था, अधिकारियों के द्वारा इस चीज़ को थोड़ा सा बुरा ज़रूर लगेगा सुनने में, लेकिन उनके द्वारा ये बहुत ज़्यादा सिवाय कागजी मॉनिटरिंग के और कुछ फील्ड पे एक्शन के रूप में नहीं देखने को मिला। पतझड़ के बाद पूरा जंगल बारूद के ढेर में तब्दील हो जाता है। इनकी रक्षा का भार केवल वर्दीधारी वन योद्धाओं पर रहता है। वहीं 70 वर्ष पुराने तरीकों से ये योद्धा आज भी आग पर काबू पाने का प्रयास करते हैं। इस दौरान कई बार इन योद्धाओं के शरीर के कई अंग जल भी गए। हमारा एक कर्मचारी यदि आग बुझाने जाता है, उसको समझ में आता है कि पानी का क्या कीमत है। जब आग बुझाते आधे घंटे के अंदर तालू से जीभ चिपकने लगती है सर, थूक गाढ़ा हो जाता है, वही की रेत। अब रेत कहाँ पहाड़ पे या जंगल में मिलेगी, उसको डाल के बुझाना है। हरी डाल जहाँ पे पानी आसपास रहता है वहीं मिलेगा, उसको खोजना, फिर उस टहनी को आग को पीट कर बुझाना, कपड़े तक जल जाते हैं सर। वो आग छिटकती है, आग उड़ती है, पता ही नहीं रहता कितने कपड़े जल रहे, जूते तक जल जाते हैं। एक बार हम लोग तो आग के बीच में घिर गए थे, एक तरफ बुझाते चले जा रहे थे, फिर उधर से पकड़ा, सब के सब घिर गए, सब आग में से निकले, सबके जूते जल गए, फफोले आ गए थे जगह जगह। आप मई जून के महीने में एक अलाव जला के या उसके सामने 10 मिनट बैठ के दिखाइए, नहीं तो आप मेरे साथ चलिए मई और जून में पहाड़ी में चढ़ के आग बुझाने की कोशिश करके दिखाइए मेरे साथ। कहाँ कहाँ से पसीने छूटते हैं वो हमको मालूम है, और किस तरीके से हम मैनेज करते हैं विदाउट एनी कॉस्ट। इन योद्धाओं के ऊपर सरकारी जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ता जा रहा था, लेकिन इनकी मूलभूत एवं पारिवारिक आवश्यकताओं के प्रति उदासीनता का रवैया रहा है। इन परिस्थितियों के बावजूद प्रकृति से जुड़ाव एवं अपनी ड्यूटी का हिस्सा मानकर ये उसी तन्मयता और समर्पण से
अपने कर्तव्य निभाते चले गए। हमको वन की सुरक्षा करनी है, चाहे किसी भी तरीके से करें, और उसके साथ हमने अपने पूरे परिवार रूपी स्टाफ के साथ उसको वो किया। वनों की सुरक्षा एक टीम वर्क है, और इस टीम वर्क को नए करने के प्रोत्साहित करने के लिए कर्मचारियों में जज्बा होना आवश्यक है। एक जज्बा होता है सर, जब हम ये यूनिफॉर्म पहनते हैं सर, खाकी तो सर मेरे खून में दौड़ता है सर, और ये मेरा जुनून है, और इसी जुनून के साथ मैं काम करता हूँ सर। कोई भी क्रिमिनल या कोई ऐसा व्यक्ति जो आपराधिक प्रवृत्ति का है, वो मेरे जुनून को दबा नहीं सकता सर। क्योंकि वो वनों से जुड़े हुए हैं और वनों के नज़दीक रहते हैं, उनका वनों से लगाव है, इसलिए निश्चित रूप से वो विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आप को स्थापित रख के सब काम कर रहे हैं। और यही कारण है कि आज पुलिस के लॉकर में जहां 7 ताले लगे रहते हैं, वहां चीज़ें सुरक्षित नहीं हैं, और अरबों की संपत्ति जो कि खुले मैदान में खुले में पड़ी है, वो आज सुरक्षित है। दायित्वों के बोझ में एक कड़ी सामाजिक वानिकी की और जुड़ गई, जहां इन योद्धाओं को वनों से बाहर निकलकर ग्रामीण समाज के साथ गांव के नजदीक वन विकसित करने की जिम्मेदारी दी गई। इसे भी इन्होंने समर्पण के साथ सफलतापूर्वक पूरा किया। जंगलों के प्रति लोगों की सोच में बदलाव आया, जब लोग अपने लालच के लिए वनों के विनाश की ओर तेजी से बढ़ने लगे। ये इन वन योद्धाओं के लिए कठिन दौर की शुरुआत थी। ये और भी कठिन हुई जब इन्हें इन परिस्थितियों से निपटने के लिए न तो कानूनी संरक्षण प्रदान किया गया और न ही संसाधन उपलब्ध कराए गए। एक समय इन्हें सरकारी बंदूकें देने का शोर मचाया गया, लेकिन कानूनी अधिकार के अभाव में बंदूकें देखने की वस्तु बनकर रह गई। हम अकेले घूमते हैं और एरिया छोटा मोटा होता नहीं है, और हमारे पास सुरक्षा के लिए क्या है, हमारे पास क्या है, है क्या? हमारे जो विश्व के सबसे बड़े एनजीओज हैं केवल 2-3 बातें करते हैं, क्लाइमेट चेंज और वाइल्ड एनिमल्स। तो केवल ये हमारे भरोसे, मेरा फॉरेस्ट गार्ड अकेला, रेंज अफसर 2 फॉरेस्ट गार्ड के साथ या डिप्टी रेंजर 1 फॉरेस्ट गार्ड के साथ इतने बड़े जंगल की रक्षा कर लेगा बिना किसी वेपन्स के, केवल वन विधि की संहिता की बुक को हाथ में रख के? ये पॉसिबल नहीं है। विभाग ने इन्हें अपने हाल पर छोड़ दिया। इन कठिन परिस्थितियों में भी इन योद्धाओं ने अपना हौसला नहीं खोया और स्वयं का सूचना तंत्र विकसित किया। हाँ सर, जंगल में आजकल बहुत लकड़ी वकड़ी कटाई हो रहा है। हाँ, जंगल में बहुत नुकसान हो जा रहा है सर, लकड़ी काटते हैं, गीला लकड़ी सब बर्बाद कर रहे हैं जंगल को। इनको आप लोग कड़ाई से जब तक पकड़ धकड़ नहीं करेंगे तो किसी भी आदमी की जान जा सकता है किसी भी टाइम में। ठीक है, मैं पूरा टीम ला लाया हूँ, और हाँ अभी बाजार कर ला है तो खर्चा रख ले, है ना, और बाजार करो निकल जाते हैं, मैं आऊँ पूरा टीम ला लेके। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, और रात दिन जंगल में गश्त कर अपनी जान की परवाह किए बिना वन सुरक्षा की प्रतिज्ञा को पूरा करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी, जिससे वन अपराधियों के मंसूबों पर पानी फिर गया और वन शूरवीरों ने यहां भी अपनी कर्तव्य परायणता को प्रमाणित किया। जंगली जानवरों का शिकार जहां पहले राजा महाराजाओं का शौक था, अब शहरी अपराधियों की कमाई का जरिया बनता गया। अरे राणा होगा अपने घर के लिए, तू बैरियर गिरा। जी सर। गाड़ी तो रोक दिया, गाड़ी मालूम नहीं है, राणा साहब की गाड़ी। अरे चल चल डिक्की खोल। शिकारी अत्याधुनिक हथियारों
गाड़ियों एवं नए तरीकों का उपयोग कर शिकार करते थे। तब ये योद्धा निहत्थे अपनी जान की परवाह किए बिना अपराधियों से लोहा लेते रहे, जिससे इन मूक जानवरों को सुरक्षा मिलती रही। राइफल्स क्रैक कराए हमारे डिपार्टमेंट ने, और मेरे ख्याल से कहीं पे किसी माल खाने में, पुलिस के माल खाने में जमाने से पड़ा हुआ जंग खा रहा होगा, और कारतूस तो डिग्रेडेशन हो चुका होगा, उनको एक्सपायर्ड हो चुके होंगे। जंगल और जंगल की उपज अब राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इस्तेमाल की जाने लगी। सहकारीकरण के नाम पर तेंदुपत्ता समितियां बनाई गईं, किंतु आज भी ये समितियां इन वीर योद्धाओं के बिना अपने उद्देश्य को पूरा करने में असमर्थ हैं। सरकार ने वन नीति में व्यापक बदलाव किया, परिणाम स्वरूप वन प्रबंधन में जन भागीदारी की अवधारणा आई। अभी तक हमारा वर्दीधारी योद्धा एक रक्षक की भांति कानून के रखवाले का दायित्व निभाता था, उसे अब सामाजिक कार्यकर्ता की तरह वनवासियों ग्रामीणों के साथ बैठकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन जनमानस के सहयोग से किए जाने का दायित्व सौंपा गया। किसी स्तर पर यह विचार नहीं किया गया कि रक्षक और सामाजिक कार्यकर्ता के दोहरे कर्तव्यों को निभाने में इन योद्धाओं को क्या मानसिक बदलाव की आवश्यकता होगी। इन्हें बलपूर्वक आदेशित किया गया कि सभी वन क्षेत्रों में वन प्रबंधन समितियां बनाई गईं, यद्यपि वनवासी इस व्यवस्था के लिए न तो जागरूक थे और न ही सक्षम थे। फिर भी सरकारी आदेश को पूरा करने के लिए उन क्षेत्रों में भी समितियां बनाई गईं जहां इनकी आवश्यकता नहीं थी। अभी तक वन प्रबंधन के बदलाव में ज्यादातर तकनीकी बदलाव आए थे, पहली बार एक मानसिक बदलाव का भार इनके ऊपर पड़ा। पहले ये योद्धा जन भागीदारी परिस्थितियों के अनुसार जंगल सुरक्षा के लिए इस्तेमाल करते थे। बाद में प्रबंधन में हिस्सेदारी के कारण समितियों में सरकारी पैसा आ गया। वन प्रबंधन के साथ साथ गांव एवं वनवासियों के सामाजिक आर्थिक विकास के कार्य का अतिरिक्त दायित्व इनके कंधों पर आ गया। इन अप्रत्याशित बदलावों को आत्मसात करते हुए एक खामोश कार्यकर्ता की भांति इन्होंने अपने कार्य को अंजाम तक पहुंचाया। इस बीच केंद्र सरकार ने वन्य प्राणियों की सुरक्षा और उनमें रहने वाले वनवासियों की सुरक्षा के लिए एक नई योजना शुरू की, जिसके तहत गांव को खाली कराकर बाहरी वनों में बसाना था। परंतु इतने चैलेंजिंग और बड़े ऑपरेशन को भी योद्धाओं ने उसके अंजाम तक पहुंचाया, जिसके गवाह खुद वनवासी हैं। जनभागीदारी की अवधारणा तथा इससे वनवासियों के जीवन में आए व्यापक सामाजिक आर्थिक बदलाव की परिकल्पना का साकार होना दरअसल इन्हीं योद्धाओं का जज्बा था जो ये अभियान अपनी ऊंचाई तक पहुंचा। डिप्टी रेंजर, बीट गार्ड और सब आके हमला सुविधा के बारे में सब लोग बताइन। हमारे गांव में आइन, पुराना रामपुर में और नया रामपुर बैठाइन, वहाँ एकदम घर कुरिया बढ़िया बने हैं हमारे मन के, और वहाँ एकदम सड़क वड़क कहीं चीज़ की कमी नहीं है, सब के व्यवस्था वहाँ बने हैं हमारे, और हर चीज़ के हमला वहाँ सुविधा मिला थे और बहुत बढ़िया हमन वहाँ खुश हन, कछु के हमारा दुख नहीं है, उनका आशीर्वाद हमला मिले है तो हमन बढ़िया खुश हैं। इस सफलता के हकदार ये योद्धा ही हैं। इसी दौर में वनों में कार्य करने की परिस्थितियां जो लगभग शांत थी धीरे धीरे अशांत होने लगी। इन वर्दीधारियों का विभिन्न असामान्य स्थितियों से सामना होने लगा। लकड़ी माफियाओं में अचानक वृद्धि हुई और निहत्थे वन अमले पर हिंसक प्रहार होने लगे। अवैध शिकार के प्रकरण बढ़ने लगे।
वन भूमि की भूख से वनों में अतिक्रमण बढ़ने लगे, जिन्हें रोकने के लिए इन योद्धाओं को ग्रामीणों की नाराजगी का सामना भी करना पड़ा। फिर भी ये गुमनाम योद्धा अपने साधनों से जंगल की गश्ती करते रहे और इसके बावजूद भी अपने कर्तव्य निभाने के दौरान महिला उत्पीड़न, शोषित दलितों को प्रताड़ित करने जैसे कानूनी अत्याचारों का शिकार हुए। देखो मैं हां बोला कतिया रोका तेरा कतिया अधिकारी है तेरा हफ्ते खेत में क्या बना रहे हम लोग यहां आज से 8 वर्ष पहले देवपुर परिक्षेत्र में एक अतिक्रमण किया गया था आदिवासी एवं हरिजन लोगों के द्वारा। उसको हम लोगों ने खाली कराने के लिए सेक्शन 80 का नोटिस दिया पहले, और पूरी जो प्रिकॉशन लेनी चाहिए महिला पुलिस मजिस्ट्रेट सभी थे वहाँ, महिलाओं को गिरफ्तार करके बलौदा बाजार ले गया। परंतु महिलाओं की शिकायत पे वन विभाग के कर्मचारियों पर एट्रोसिटी एक्ट दायर किया गया, जिससे हम लोगों को जेल जाना पड़ा। कि जब अतिक्रमण हटाया गया था तो फॉरेस्ट के कर्मचारी, एक मजिस्ट्रेट भी अपॉइंट हुआ था उसमें नायब तहसीलदार, और पुलिस कर्मी महिला पुरुष सभी थे। परंतु महिलाओं की शिकायत पे उन पे कार्रवाई न करके खाली फॉरेस्ट के खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट बुक हुआ था। वहाँ पे अतिक्रमण वन भूमि पे किया गया और राजस्व पुलिस और वन विभाग के सारे अधिकारी कर्मचारी मिल करके उनको गिरफ्तारी की कार्रवाई की गई, लेकिन सारा इल्ज़ाम वन विभाग के हम कर्मचारियों पर ही आया और हम लोगों को उसमें यानी जेल तक के जाना पड़ा। जो हमारे परिवार में हमारे किसी भी में कभी सोचा भी नहीं था कि हमको कभी जेल जाना पड़ेगा, और हम लोग जेल गए उस प्रकरण में। लेकिन ये कोसमसरा का जो प्रकरण हुआ और जिसमें हमको जेल तक जाना पड़ा, वो हमारे लिए हमारे परिवार के लिए बहुत शर्मनाक थी। छिपली की घटना थी, हमारा स्टाफ गया था वहाँ गए, उनने जब्ती की कार्रवाई शुरू किया पर गांव के कुछ लोगों ने उनको रोका, और 3 स्टाफ गए थे, 3 स्टाफ में एक बुजुर्ग स्टाफ था, उसको इतना मारा कि वो लहूलुहान हो गया। उसके बाद उसको मरणासन्न स्थिति में गांव के बाहर फेंक दिए। दूसरे दिन संपूर्ण कार्रवाई करने के बाद करीब 2 ट्रक लकड़ी और कुछ ट्रॉफीज जब्त करके लेके आए। फिर भी एट्रोसिटी एक्ट में जांच हुई और पुलिस अधीक्षक के द्वारा बाद में उसको निराधार पाया गया। चाहे वो नेता हो या पब्लिक हो या हमारे ब्यूरोक्रेट्स जितने भी हैं, ये सब लग जाते हैं। हम प्रताड़ित होकर जंगल सुरक्षा छोड़ दें, इसके लिए वो प्रयास करते हैं। जनभागीदारी के अब ऐसे पहलू सामने आने लगे हैं जब समितियां अपने आप को सर्वशक्तिमान तथा कुछ हद तक स्वच्छंद समझने लगी। इसका ये परिणाम हुआ कि वनवासियों के साथ इन योद्धाओं के आए दिन विवाद सामने आने लगे, जिसके कारण इन योद्धाओं का सम्मान लहूलुहान हुआ। महीना के 1 तारीख है और हमला हर महीना मीटिंग लेथन, तो आज बताओ कतक पैसा है तुम्हारी समिति में? तो ते है तो सचिव साहब, तो ते बताना भाई, जब का रजिस्टर है तो ते धरे है। शासन जो है ना समिति से हर जगह ले सब रद्द है, शायद मैं कह रहा कि पैसा तू भल तो मत जाए, नल जल योजना के लिए ही हम दे सकते हैं आप मन गांव में। नहीं तो हमारे लोग ही चाहिए ना साहब, बैंडेज बाजा चाहिए, बैंड बाजा में हमारा वो त्योहार और शादी सब हो ही। हमारा बैंड बाजा चाहिए, उसके लिए शासन नहीं देगा ना, अलाउ नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? तो हमारे है वो पैसा है ना साहब, और हमारे जंगल है, ते सचिव सचिव काम कर ना। देखे साहब सुने, हमारे पैसा है वो, ते जा सकता जी, हमारे बैंड बाजा दे नहीं सकता। अध्यक्ष महोदय जी,
इतना बेइज्जती मैं कार्यकाल में अभी तक किसी गांव में नहीं सुना हूँ। आप लोग जितना बेइज्जती कर दिया मेरा साहब बने रहते हैं जी, सचिव बना है तो सचिव तोला देना चाहिए। संयुक्त वन प्रबंधन की अवधारणा के आने के पश्चात स्टाफ की वो वर्दी भी उतर गई, उसे गांव वालों के साथ बिना वर्दी के बैठ के उनके सुझावों को मानने इसके लिए बाध्य किया गया। आजादी के बाद से जंगल प्रबंधन में जितने बदलाव एवं प्रयोग हुए उतने शायद किसी अन्य विभाग में नहीं हुए। फिर भी हर बदलाव को इन वर्दीधारी योद्धाओं ने अपनाया और उसमें अपने आप को ढाल लिया। लगभग 30 से 40 वर्ष की सेवा एक ही पद में करने के बाद न तो प्रमोशन और न ही किसी प्रकार का प्रोत्साहन मिला। इसके बावजूद भी इन योद्धाओं ने कभी भी अपनी व्यथा नहीं बताई, कभी सिस्टम के विरुद्ध जाने का प्रयास नहीं किया। हमेशा ये महसूस करते रहे कि उनके द्वारा दिए गए योगदान को कोई पहचान नहीं मिली। ठीक वैसे ही जैसे प्रकृति में हमारी शक्ति विद्यमान रहती है जो स्वयं ही हमारे अत्याचारों को सहती भी रहती है। शुरुआत में वन सुरक्षा से प्रारंभ होकर सामाजिक कार्यकर्ता से गुजरते हुए ग्रामीण स्तर पर विकास कर्मी के रूप में जिम्मेदारी, परिवर्तन के साथ साथ ऑफिस कार्यों का भी बोझ इतना अधिक बढ़ गया कि दिन रात अनेकों कागजी रिपोर्ट बनाने तथा रेंज ऑफिस के चक्कर लगाने में ही उनका खासा वक्त निकलने लगा। बात यही रुक जाती तो ठीक था, लेकिन हद तो तब हो गई जब सरकार ने उन्हें सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद भी चुनाव ड्यूटी पर लगा दिया तथा जिला प्रशासन के विभिन्न गैर वानिकी कार्यों जैसे ग्राम स्वराज अभियान, लोक स्वराज अभियान, ग्राम सभाओं की बैठकों में भाग लेने के अलावा जिला पंचायत के कार्यों की मॉनिटरिंग का नया भार भी इन पर लाद दिया गया। जिला प्रशासन के जितने भी प्रोग्राम होते हैं उन सभी में फॉरेस्ट गार्ड्स की ड्यूटी लगाई जाती है। जैसे जनसंख्या गणना होती है, पशु गणना होती है, लोक स्वराज अभियान है, ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम हैं जिसमें फॉरेस्ट गार्ड की ड्यूटी लगाई जाती है। ज़्यादा है पर सरकार की पॉलिसी है तो हम लोग मना भी नहीं कर सकते। जिला प्रशासन कोई काम बताता है तो मजबूरी रहती है वहाँ जाना। पूर्व वर्षों में सिर्फ वनों की सुरक्षा एक मुख्य कार्य हुआ करता था, परंतु अब समय के साथ साथ इतने कार्य बढ़ते जा रहे हैं जो गैर वानिकी हैं, जिनके कारण वनों की सुरक्षा में प्रभाव पड़ रहा है। अब फॉरेस्ट गार्ड गया है इलेक्शन ड्यूटी, लेकिन पूरी उसकी मानसिकता है, पूरा उसका मन है, विचार है, वो पूरे उस अपने बीट में है कि मेरा बीट है, मेरा जंगल है, मैं यहाँ भी पशु गणना कर रहा हूँ, मैं जनसंख्या गणना कर रहा हूँ, मैं इलेक्शन ड्यूटी कर रहा हूँ, तो मेरे बीट का क्या हाल होगा। पूरा उसकी जो उसका प्रेम है, उसकी भावना है, वो वन से जुड़ी रहती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं इस कसमकस में उलझा हुआ है कि मैं क्या करूँ। इन सब बोझों के नीचे दबे इन योद्धाओं में असहजता की लकीरें उबर रही है। रोज पैसा मांगते हैं यार, पैसा तो आजकल कैशलेस का जमाना है, चेक का जमाना है, तो कैसे कर सकते महाराज। हाँ, सबके खाते में पैसा जाएगा और हम दे रहे हैं उनको। कहाँ से भाई? उनको लाया हूँ काम कराने के लिए। अच्छा, तो उनके पास कहाँ है? सब तो हमारे पास काम करने के लिए आए ना। कैसे पटेल भैया? हर आदमी के पास में नहीं आता ना महाराज, आपको पहचानते हैं। हाँ? आए हैं तो उनको झेलना तो पड़ेगा ही, कोई देने वाला है नहीं। लेकिन काम जो है मजबूरी में कराना पड़े, अगर काम नहीं करा था कल वही ऊपर से डांटी, ऊपर से डांटी तो हमारे रोजगार का एक तन ही है। सबसे बड़ी बात कोई आवाज उठाना है, ये करना है, दौरा के भी पैसा नहीं मिले, पहले पेट्रोल मोटरसाइकिल माइलेज मिला थी, माइलेज भी बंद कर दे तो 8 रुपए जन पंपा भत्ता मिला कितने बंद हो पूरा बंद है भैया। सुनना ही नहीं है आजकल, और कोई नहीं सुनने वाला, तो अधिकारी बोलते से मतलब ओके रखे, अब कैसे करना है? अरे एकता वगैरह करो और कुछ करो, अधिकारी मतलब कम से कम टीए भत्ता वगैरह दे। कि हमन एक ठन संगठन बना थन और सब चलथन साहब की। अच्छा, तुम्हारा अच्छा अच्छा कदो, कोई काम नहीं करो। अरे तुला तो संगठन में तुहले चूंगे थन तेह दहाई के निशान होने देते हैं मटक दे था। अरे फालतू बात रखो यार, तुम्हारा फालतू बात रखो। अरे सुन तो, अरे चाय तो पी के जा। जब ये योद्धा दूर से अपनी आंखों के सामने वनवासियों को दी जा रही जंगल की जमीनों को देखते हैं तो उनका मन विचलित होने लगता है। दुर्भाग्य से ऐसी परिस्थितियां निर्मित हुई
कि प्रदेश का ज्यादातर वन क्षेत्र नक्सलियों का पनाहगाह हो गया। ये अप्रत्याशित स्थिति निर्मित हुई कि जो वनवासी अभी तक वनकर्मियों के सहयोगी थे, वे अब नक्सलियों के भय से उनके समर्थक बन गए। अभी भी विभाग की उपेक्षाओं में कोई कमी नहीं आई। इसका परिणाम ये हुआ कि कई गुमनाम योद्धाओं की नक्सलियों ने निर्मम हत्या कर दी। तो बोले इसका हाथ बांधो, इसको भगाओ, बोले मेरे को, दूसरे आदमी को। बोले लेडीज बहुत बोलती है, बोले भगाओ इसको वापस। पाटिल साहब बोले वो क्यों जाएगी, क्या बात है बताइए। तो वहीं बैठे और क्या बोले, ये मुखबरी करता है, बोले मेरे को, बोले उनको उठाए। और नायलोन की रस्सी थी सर, आज भी पोस्टमार्टम लिखा है, देख लीजिएगा, नायलोन की रस्सी से ऐसे हाथ किए उनका हाथ और पीछे बांधा, मोबाइल जेब से हाथ डाले और छीन लिए और बोलते इसका मोबाइल रखो, बांध दिए और बीच रोड में उनको गिरा दिए। शायद इतना बड़ा नुकीला कोई चीज़ निकाले, और नुकीला निकालने के बाद सीधा यहाँ चुभाए सर पाटिल साहब के, ऐसे गले में चुभाए ना, तो यहाँ से ब्लड निकलना चालू हुआ। और जैसे ब्लड निकालना चालू हुआ, फिर मैं दौड़ते उनके ऊपर लिपट गई, है ना, उनके ऊपर गिर गई रोड में। और उनको बोली कि अगर आपको लगता होगा गलती हमारी है या हमारे बच्चे के ऐसे कुछ है, तुम भी किसी के बच्चे हो, तुम अगर लगता है तो हमको रोक लो, बोली अभी, और आप पूछ लो क्या हकीकत है क्या नहीं है। वो पाटिल साहब की बात सुनते ही नहीं थे, मालूम कुछ भी नहीं सुन रहे थे। मेरे सामने उनको शूट किया है, मेरे सामने गोली मारी उनको, मेरे सामने इतना जोर जोर से चिल्ला रही थी, मैं इतना जोर जोर से चिल्ला रही थी कि कोई तो बचाओ, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो। वो इमारती काट के ले जा रहे थे, उसके पास गए, पूछताछ किए कि कैसे कर रहे हो, इमारती कहाँ ले जा रहे हो, इसे बोल रहे थे, पूछताछ कर रहे थे। पीछे से टांगी से मार दिए सर ड्यूटी के दौरान। एक फॉरेस्ट रेंजर थे मिस्टर लादेर, जिनके नाम से अभी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने एक पुरस्कार की भी घोषणा करी, साहसिक कार्य करने वाले वनकर्मी को हर साल प्रशस्ति पत्र और 1,00,000 की धनराशि दी जाएगी। उनके साथ भी वही इंसिडेंस हुआ, रेत माफियाओं ने उनको घर से बाहर निकाल के मारा। उनके घर के पास में मेरा एक बैचमेट है फॉरेस्ट गार्ड, उनके फादर रामजी वर्मा, 2002 में उनके साथ इंसिडेंस हुआ। मेरे फादर वहाँ पे रेंज अफसर हुआ करते थे सीता नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, वो मेरा बैचमेट था, हम दोनों ने साथ में फॉरेस्ट गार्ड की ट्रेनिंग करी। जंगल के तस्करों ने भी उनके फादर के साथ वो ही किया। वो ड्यूटी पे गए थे, मतलब चुनाव में जोनल अधिकारी बन के जी, तो उनकी वो क्या बोलते हैं नक्सलियों ने उनके बारूदी सुरंग से गाड़ी हमला किया था, खड़गांव के पास कोका गांव। उनकी जब डेड बॉडी देखी सर, मैं रूह कांप गई सर, क्योंकि उनकी एक आंख भी निकल चुकी थी, एक आंख निकल गई पूरी, मतलब कि बॉडी को भी ठीक से पहचान नहीं पा रही थी मैं। मेरा बेटा बोलता मम्मी आप कैसे जॉब कर रहे हो, पापा छोड़ के चले गए, आप भी छोड़ के चले जाओगे। मेरे को बार बार एक क्वेश्चन अभी भी पूछता है, पापा तो चले गए, आप भी छोड़ के चले जाओगे क्या, ऐसे पूछता है। इन योद्धाओं पर नक्सलियों के अलावा टिम्बर माफिया एवं अवैध शिकारियों द्वारा भी प्राणघातक हमले कर उनकी निर्मम हत्या कर दी गई, परंतु इनके परिवारों को शासन से कोई अतिरिक्त मदद नहीं मिली। इसके बावजूद भी इन वीर योद्धाओं ने ये प्रतिज्ञा करते हुए परिस्थितियों को आत्मसात किया है कि अपने प्राणों की आहुति देने के बाद भी वे वनों की सुरक्षा करेंगे। मैं देता हूं नहीं। मैं भारत के विधि द्वारा स्थापित संविधान के मंशा के अनुरूप पर्यावरण का संरक्षण वनों
देश का शायद सबसे पुराना 1160 वर्षों से आन बान और शान से खड़ा ये साल का वृक्ष इन योद्धाओं के निस्वार्थ योगदान एवं कुर्बानियों का सबसे बड़ा गवाह है और आज भी इन शूरवीरों की इससे मोहब्बत और लगाव इस बात का सबूत है कि ये कदम कभी रुकेंगे नहीं और देश की माटी पर वृक्षों की चादर कभी खत्म नहीं होगी।